नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा है कि आप सब सुखी हैं और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका एक क्वेश्चन आ रहा था कि जो हवलदार की पोस्ट थी, जो रिजल्ट आया एमटीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट, उसमें हवलदार की पोस्ट है ऑल ओवर द इंडिया। आपके डिफरेंट जोन्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, कस्टम्स हैं, डायरेक्ट्रेट्स हैं, CBSE के ऑफिस हैं, उसमें आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। एक क्वेश्चन आ रहा था कि उस रीजन में कैसे पोस्टिंग होगी या किस बात पे डिपेंड करेगा पोस्टिंग होना, या DGPM में पोस्टिंग कैसे होगी, क्योंकि DGPM में कोई रीजन स्पेसिफाई नहीं किया इन्होंने, आगे प्रोसेस क्या होगा। तो इसी सभी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, थोड़ा संक्षिप्त में ही थोड़ा जल्दी इस वीडियो को एंड करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हमारे जो कौन कौन से रीजन बनते हैं। यहाँ पे तीन कोड दिए हुए हैं हमारे, HCG, HCU एंड HDI। HCG है जो हवलदार है CGST में, HCU कस्टम्स में, और HDI डायरेक्टरेट में। सारे ही CBSE के अंडर आते हैं ये, ठीक है। अभी देखते हैं ये कैसे आपकी पोस्टिंग होगी, आगे प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए, आपको कहीं पे मिला है, हो सकता है उनका प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम डिफरेंट हो, क्योंकि चंडीगढ़ का अलग प्रोसेसिंग टाइम हो सकता है, आपका दिल्ली का अलग प्रोसेसिंग टाइम हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आपका डिफरेंट रीजन्स का, जोन्स का अलग अलग हो सकता है। लेकिन मेनली क्या होगा, अब आपको जल्दी हो सकता है आपकी ईमेल पे एंड बाय पोस्ट दोनों ही तरह से आपको कुछ ना कुछ ईमेल आए कि आपका सिलेक्शन हुआ हमारे यहाँ, आपको इस तारीख में ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे, या इतने टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे, या तो स्पेसिफिक डेट दे देंगे आपके DV के लिए, या फिर एक टाइम पीरियड दे देंगे। हो सकता है वो 10-15-20 दिन, 1 महीना हो सकता है, जिसमें आपके अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह आएंगे, आपसे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने को बोला जाएगा, मेडिकल वगैरह वो खुद करवा लेंगे, क्योंकि CBSE में मेडिकल वो खुद ही करवा लेते हैं। कुछ चांसेस ये भी बनते हैं कि आपसे आपका मेडिकल कराने को बोला जाए। एंड मेडिकल के रिगार्डिंग अभी तक कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कैसे क्या मेडिकल होगा आपका, ठीक है। तो अभी उसके बाद क्या होगा, आपको बुला लिया जाएगा, देन आपका ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद जब आपके DV वगैरह हो जाएंगे, सबका DV हो जाएगा, देन आपके ज्वाइनिंग लेटर भेज दिए जाएंगे। सारे प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज होने के बाद आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। इनिशियली आपको जो भी ये जोन्स हैं, इनके जो आपका CCA का रीजनल हेडक्वार्टर है उसमें ज्वाइनिंग होगी। अब देखते हैं वो हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पड़ते हैं आपके, एंड उसमें जो आपकी ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे कि ये आपके CBSE के हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। इसमें आपके डिफरेंट स्टेट्स में आपके डिफरेंट जोन्स बनते हैं। ये स्टेट्स के अकॉर्डिंग दिया है इन्होंने, मैं जोन्स के अकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा आपको। जैसे चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में आपको कौन सा जोन पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड यूनियन टेरिटरीज, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये सेम एक ही जोन में आएंगे, ठीक है। स्टेट पंजाब रहेगा, ठीक है। अभी मैं आपको मेन दिखाता हूँ, ये स्टेट वाइज है कि किस स्टेट में आपके कौन सा स्टेट किस जोन के अंडर आएगा और वो ग्रुप कौन से स्टेट्स का रहेगा। अब इसमें से मेन जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी दिखाता हूँ आपके। अब जैसे अहमदाबाद जोन है, सबसे पहले आपका यहाँ के हेडक्वार्टर में ज्वाइनिंग होगी, इन रीजन्स में भेज दिया जाएगा आपको। इन रीजन्स में मल्टीपल ऑफिसेज हैं, कोई एक ऑफिस नहीं होगा। जैसे राजकोट है तो यहाँ पे डिफरेंट होंगे, अपील्स का है, ऑडिट का है, ठीक है। इसमें डिफरेंट सेक्शंस होंगे, वहाँ पे आपको भेजा जाएगा। बेंगलोर जोन है, यहाँ पे आपको भेजा जाएगा। मान लो आपको बेंगलोर में हुआ है तो यहाँ पे डिफरेंट जगह है आपकी, यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है ऑल ओवर द बेंगलोर। इस तरह भोपाल जोन है, भोपाल में भी काफ़ी एरिया आ जाता है आपका, ठीक है। चंडीगढ़ जोन है, चंडीगढ़ में चंडीगढ़, जलंधर, जम्मू, ठीक है, चंडीगढ़, जम्मू, लुधियाना, ठीक। ऐसा नहीं है कि आपको मान लो मुंबई मिल गया तो मुंबई ही रहेगा। मान लो हम दिल्ली देखें अभी, तो दिल्ली जोन में दिल्ली ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, इसी तरह है। हैदराबाद जोन में हैदराबाद कस्टम्स, अब हैदराबाद जोन में क्या है, कस्टम्स है अलग हैदराबाद, ठीक है, अलग सिकंदराबाद, हैदराबाद ऑडिट 1-2, इसी तरह से आपके सारे ये दिए हुए हैं। मान लो हम नीचे मेरठ जोन देखें, लखनऊ जोन है, मुंबई जोन है, मुंबई में देखो मुंबई कितना बड़ा है, बेलापुर, भिवंडी, मुंबई सेंट्रल एक्साइज, मुंबई ईस्ट, मुंबई वेस्ट, मुंबई साउथ, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़, थाने रूरल, मुंबई ऑडिट 1, बहुत सारे आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। एक कम रेडियस में काफी डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया ही, इसी तरह आपके सारे जोन्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये हैं आपके कस्टम्स के नीचे, जो कस्टम्स में मिले हुए हैं, तो यहाँ पे इनिशियल ज्वाइनिंग होगी आपकी पहले हेडक्वार्टर्स में इनके, ठीक है। एंड देन आपका जो इनका मेन अहमदाबाद जोन है, जैसे
तो मेन आपका हेडक्वार्टर डेफिनेटली अहमदाबाद में होगा, ठीक है। एंड इसी तरह आपके जो डिफरेंट जोन है उसके हेडक्वार्टर में ज्वाइनिंग होगी, उसके कुछ टाइम बाद आपके 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने बाद आपकी पोस्टिंग करा दी जाएगी। एजीटी आता है, एनुअल जनरल ट्रांसफर, ठीक है। ये इनिशियली पोस्टिंग ऑर्डर आ सकते हैं आपके बेसिकली, ठीक है। आपका उसके बाद साल में 2 साल में ट्रांसफर होते रहते हैं, एक जोन से दूसरे जोन में नहीं होंगे एक्सेप्ट डीजीपीएम कस्टम्स में और जीएसटी में। आपका उसी जोन में आपका डिफरेंट ऑफिस हैं, कमिश्नरेट्स हैं, वहां पर जाते रहोगे आप। इसी तरह आपके सारे जोन हैं एंड ये कस्टम्स के भी हो गए आपके, आप देख लीजिएगा। ये लिंक मैं वेबसाइट का टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। एंड इसी तरह आपके जीएसटी के भी हो गए। अब देखते हैं एक बार जो आपका अवेलेबल है डीजीपीएम का। अब डीजीपीएम में इन्होंने वेबसाइट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया। डीजीपीएम की तरह काफ़ी आपके डायरेक्टरेट्स होते हैं डीजीपीएम के अंडर में, और उसके काफ़ी आपके जोन्स हैं एंड काफ़ी डायरेक्टरेट्स और भी हैं। जैसे एक है आपका डीजीपीएम सीबीआईसी में ह्यूमन रिसोर्सेज एचआरडी रेवेन्यू इंटेलिजेंस। जो आपका मेन पॉइंट आता है हम वो देखते हैं कि जोन कैसे बटे हुए हैं। 5 जोन्स में बटा हुआ है आपका, ठीक है। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, ईस्टर्न, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा इनकी वेबसाइट पे, बट नॉर्थ रीजनल यूनिट, वेस्ट रीजनल यूनिट, साउथ रीजनल यूनिट, सेंट्रल और ईस्टर्न, ईस्ट रीजनल यूनिट। वेस्ट रीजनल यूनिट में जो आपके आते हैं वो हैं महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, दमन दीव है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना सेंट्रल में आते हैं, ठीक है। साउथ रीजनल में आपके कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, ये इसके अंडर आते हैं। ऑफिस यहीं रहेगा आपका, ठीक है, इनके अंडर ये आते हैं। अब इसमें फायदा क्या है आपका, ऑल ओवर द इंडिया आपके ट्रांसफर्स होते रहेंगे। हो सकता है आपको जब इसमें ज्वाइनिंग हो सेम प्रोसेस पहले होगा, लेकिन पोस्टिंग इसमें हो सकता है आपसे प्रेफरेंस मांग लिए जाएं, क्योंकि इसमें किसी एक जोन में आपका पोस्टिंग नहीं हुई है, सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसमें डिफरेंट आपके स्टेट्स हैं एंड डिफरेंट आपके यूनिट्स हैं। तो एक यूनिट इसमें ऐसा नहीं है कि आपके ऑफिस ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा ऑफिसेज नहीं है इसके अंडर, इसी वजह से इसके वैकेंसीज भी कम है। तो ऑल ओवर द इंडिया 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट में से आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। एंड इसमें लाइफ टाइम आपके ट्रांसफर हैं अभी तक, आगे का पता नहीं लेकिन अभी तक ट्रांसफर हैं इसमें। तो ये बात होगी आपकी जो आगे प्रोसेस होने वाला, क्या होने वाला है। इसमें 1.5 से 2 महीना लग सकता है आपका, मुश्किल से मुश्किल 2.5-3 महीने भी जा सकते हैं कहीं कहीं किसी किसी यूनिट में या किसी किसी जोन में, ठीक है। बात कर ली हमने आपके जो कहाँ पे आपके ऑफिसेज हैं, सीबीआईसी में, जीएसटी के, कस्टम्स के या डीजीपीएम के। हेडक्वार्टर आपके डीजीपीएम के यहाँ हैं एंड जो एड्रेसेज हैं आपके डिफरेंट यूनिट्स के वो दिए हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।